मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोमवार को आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सावन का सातवां सोमवार और नागपंचमी पर्व दोनों, जहां नागपंचमी के विशेष अवसर पर भगवान भोलेनाथ और भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। दरअसल नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट साल भर में एक बार नागपंचमी के दिन ही खुलते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। सोमवार के दिन ही नागपंचमी होने का खास संयोग 24 साल बाद बना है। बाबा महाकाल के मंदिर के शिखर पर नाग चंद्रेश्वर मंदिर स्थापित है, जिसके पट दर्शनों के लिए साल भर में एक बार सिर्फ नागपंचमी के दिन ही खोले जाते हैं। पूरे 24 घंटे लगातार मंदिर के पट खुले रहते हैं। जब रात 12 बजे मंदिर के पट खुले तो हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई। उधर बाबा महाकाल की भस्म आरती में भी लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान के दर्शनों के लिए 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रही। जैन नगरी में कहावत है कि शिखर दर्शनम पाप नाशम, मतलब मंदिर के शिखर दर्शन मात्र से सारे पाप और दुख खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही नाग पंचमी के दिन भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शनों की मान्यता है। माना जाता है कि आज के दिन नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करने मात्र से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। यही वजह है कि लगातार श्रद्धालु भगवान के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। उज्जैन से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।